हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी से देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 11 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। सो वहाँ से आप सारा वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आइए आज की इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो जितने भी हम बता रहे हैं वो क्लास 10th के लिए स्पेशल है, ओके। तो क्वेश्चन है, मान लें कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं, ठीक है। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के किनारे से यानी कि नदी के एक किनारे से, यहाँ कर दीजिए, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, ये आपको बताना है, ओके। तो क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक नदी है जिसका कि एक दो किनारा है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो वो जो है व्यक्ति, वो जो है एक किनारा से दूसरे किनारा की ओर आ रहा है। तो वो जो आ रहा है वो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। तो वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए वो एक किनारा से दूसरे किनारा की ओर आ रहा है। सो इसको मिला दो, तो एक किनारे से दूसरे किनारा ये पहुंच चुका है और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 60 डिग्री का कोण, ओके। तो इसे आप अपने अनुसार कुछ भी नेमिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूँ ABC, आप चाहो तो PQR, MNQ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो वो दूरी तय कर रहा है, ये व्यक्ति AC क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, कितना दूरी कर रहा है, 200 मीटर, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये आ चुका है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे अपने भाषा में लिख लो कि माना कि AB पुल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई व्यक्ति जो है एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये स्टेटमेंट आप लिख लो कि माना कि AB पुल के साथ एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 60 डिग्री का कोण बना रहा है, जो कि दूरी 200 मीटर दिया हुआ है। तो नदी की चौड़ाई यानी कि AB हमें फाइंड करना है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए BC क्या हो गया है, BC इसका आधार हो गया यानी कि बेस, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये कर्ण हो गया, कर्ण तो सभी एंगल के लिए एक ही होता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि H, जिसे हम H से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस। AB क्या हो चुका है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, AB निकालना है, चौड़ाई यही नदी यही है ना, ये नदी एक किनारा से दूसरा किनारा ये आदमी आ रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये हमें AB फाइंड करना है। हमें दिया हुआ है H दिया हुआ है, यानी कि कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, ये साइन थीटा के कौन सा टर्म में आता है, साइन थीटा त्रिकोणमिति के कौन से टर्म में आता है। साइन थीटा की बात करें तो P/H होता है, है ना। तो यहाँ पे हमें H और P और H के बीच ही हमें संबंध निकालना है, ठीक है। तो यानी कि ये साइन थीटा से यहाँ पे ये बन जाएगा, तो ओके। तो यहाँ पर लिखिएगा साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, यानी कि कर्ण बटा सॉरी लंब बटा कर्ण, है ना, P/H होता है। आप चाहोगे तो इसे कोसेक से भी बना सकते हो, कोसेक का सिर्फ H/P होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है, AB, दिया हुआ क्या है, AC, यानी कि कर्ण क्या है, AC है यहाँ पे कर्ण, AC, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये टेबल है आपका, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 इक्वल टू AB का मान हमें फाइंड करना है, AC का मान दिया हुआ है 200 मीटर, तो सिर्फ 200 लिखिए, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्या हो जाएगा, 2AB इक्वल टू 200√3 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो गया आपका, 200√3/2। तो इस प्रकार यहाँ से 200 कट जाएगा दो से 100 बार में, तो AB इक्वल टू आ गया आपका 100√3।
आप चाहो तो ये आपका आंसर इतना मीटर हो चुका है, ठीक है, इतना मीटर ये आपका आंसर हो चुका है। आप इससे ज़्यादा बढ़ना चाहते हो तो 100 गुना रूट थ्री का मान कितना होता है, 1.732 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आपका आएगा ये इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ तक बनाओ चाहे यहाँ तक बनाओ आपकी मर्जी, ठीक है। तो 100 रूट थ्री मीटर या फिर इससे आप सोल्व करके जो भी आता है मल्टीप्लाई करने पर वो भी ये इसका आंसर राइट है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। सो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।